रामराजा सरकार को 46 लाख रुपए का आयकर वसूली नोटिस देकर केंद्र व राज्य सरकार ने भगवान राम का अपमान किया है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ यही कहते हुए आज बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर निवाड़ी को सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि ओरछा में स्थित रामराजा सरकार जी के मंदिर को आयकर विभाग द्वारा वसूली का नोटिस भेजकर हमारे आराध्य भगवान को अपमानित करने का कार्य किया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र के ओरछा में रामराजा सरकार मंदिर पर आयकर विभाग ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए दिनांक 23 अप्रैल 2023 को एक लीगल नोटिस भेजकर 1,22,55,000 रुपये का हिसाब मांगकर 46 लाख रुपये की टैक्स वसूली निकाली है, जो कि न्याय संगत नहीं है। राम राजा है और राजा टैक्स नहीं देते बल्कि लेते हैं। बुंदेलखंड के ओरछा का मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जो विश्वविख्यात है। यहाँ दिन में 4 बार ओरछा धाम के रामराजा सरकार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। केंद्र व मध्य प्रदेश सरकार को यह फैसला करना होगा कि वह प्रभु राम को राजा मानते हैं या आम जनता में उनकी गिनती की जाती है। भानु साहे ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता प्रभु राम को राम राजा सरकार मानती है, इसलिए सरकार द्वारा प्रभु राम पर आम आदमी की भांति आयकर के वसूली नोटिस गलत हैं। उन्होंने कहा कि यदि मध्य प्रदेश सरकार अपना यह फैसला वापस नहीं लेती तो बुंदेलखंड की जनता राम राजा के लिए जन आंदोलन करेगी और एक एक रुपये एकत्र कर आयकर को टैक्स अदा करेगी। उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से नोटिस वापस लेकर राम राजा सरकार से माफ़ी मांगी जाए, अन्यथा आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहें। देखिए, यहाँ जगदीश तिवारी जी ने हम लोगों को बताया कि भगवान राम राजा सरकार को आयकर का 46 लाख रुपए वसूली का नोटिस दिया गया है। 1,22,572 रुपये, इस पर उन्होंने उनसे हिसाब मांगा है। राजा से हिसाब नहीं मांगा जाता, राजा हिसाब मांगते हैं। या तो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ये कह दे कि हम उन्हें राजा नहीं मानते, तो उन्होंने जो 46 लाख रुपए का आयकर का नोटिस भेजा है, वो 46 लाख रुपए हम बुंदेली अपनी जेब से अदा करने के लिए तैयार हैं। और या अगर वो राजा मानते हैं और गार्ड ऑफ ऑनर लगातार दिया जा रहा है और इसमें कोई कमी अगर नहीं छोड़ी गई है, तो उनसे हमारा निवेदन है कि राजा राम की ड्योढ़ी पे आइए, माफ़ी मांगिए नाक रगड़ के और इस नोटिस को वापस लीजिए। हम बुंदेलखंड वासी किसी भी सूरत में इस आयकर के नोटिस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान राम राजा सरकार का जो अपमान किया जा रहा है, ये अपमान हम बुंदेलियों को बर्दाश्त ना था ना है और ना हो पाएगा। इसलिए हम चेतावनी देना चाहते हैं मोदी जी को, हम चेतावनी देना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान साहब को कि इस नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए माफ़ी मांग लीजिए। निवाड़ी से देवेश गुप्ता की रिपोर्ट।